हेलो फ्रेंड्स, आज एक एबीजी से रिलेटेड, ब्लड गैस एनालिसिस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वैल्यू जो PHCO2SO3 से अलग एक वैल्यू होती है जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, उसका नाम होता है बेस एक्सेस। बेस एक्सेस एबीजी के अंदर अपन ने देखा है, एबीजी जब भी अपन देखते हैं उसमें पीएच देखते हैं, SCO3 का लेवल देखते हैं और अपन CO2 का लेवल देखते हैं। उसके साथ साथ अपन इन सब के साथ साथ अपन एक वैल्यू और देखना होता है BE, जिसका अपन बोलते हैं बेस एक्सेस, जिसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू वो होती है माइनस टू टू +2 mmol पर लीटर। ये शो करता है BE, जिसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, -2 to +2। ठीक है, ये नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है। इससे ज्यादा है तो क्या होगा, इससे कम है तो क्या होगा, मैं बताता हूँ। BE बेस एक्सेस क्या बताता है, इट्स सो अमाउंट ऑफ SCO3 इन ब्लड। ये SCO3 के अमाउंट को, ब्लड के अंदर कितना अमाउंट है उसको शो करता है। वही क्या शो करता है, वी शो अमाउंट ऑफ SCO3 इन ब्लड। तो अपन इसको बोल सकते हैं BE इज अनदर सरोगेट्स मार्कर ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनदर सरोगेट मार्कर ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस समझना है तो अपन एक बी की वैल्यू के आधार पर इसको भी समझ सकते हैं। बहुत सी बार क्या कंपेंसेटरी कंडीशन होती है तो उसके अंदर भी ये बहुत अपने को हेल्पफुल डिसाइड करता है, इसको डिसाइड कर सकते हैं इसके द्वारा बी के लिए। तो अपन बात करते हैं कि अभी इसकी वैल्यू जो है वो कैसे अपन डिसाइड करते हैं। तो अगर आपने अगर एबीजी के अंदर बी की जो वैल्यू है वो -2 से कम है, डिक्रीज -2 से अगर की वैल्यू में है तो अपन उससे इंडिकेट करता है, इट्स इंडिकेट इट्स इंडिकेट डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ SCO3 इन ब्लड। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है क्या भी, तो इट्स इंडिकेट डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ SCO3 इन ब्लड। ब्लड के अंदर SCO3 का मींस बेस का लेवल क्या है, कम है। इसका मतलब वहां पे कौन सी कंडीशन हो रखी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, समझ गए, वहां पे कौन सी है रही है, ये मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है, ये सबसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इसका है। तो बी किसका मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है। और अगर अगर नेक्स्ट बात करें, बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा इंक्रीज अमाउंट ऑफ SCO3 इन ब्लड। मीन्स क्या हो गया आपका, मीन्स क्या हो गया, ये कर रहा है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो बहुत से एग्जाम में आ गया कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन है तो बी की वैल्यू कैसी होगी, तो +2 से अब होगी, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन है तो उस वाले में बी की वैल्यू कैसी होगी, माइनस। ये क्वेश्चन एम्स एग्जाम के अंदर, इसलिए एम्स एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है बी की वैल्यू के आधार पर इसका क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।